हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इफ और एंड फॉर्मूले की हेल्प से इन सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकालेंगे। इसके लिए आपके सामने एक डेटा दिया हुआ है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम और उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए हुए हैं। अब एक टास्क दिया जाता है कि अगर स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट में 34 से ज्यादा नंबर लाता है तो ही वो पास हो सकता है, अदरवाइज वो एक भी सब्जेक्ट में 34 से कम नंबर लाएगा तो उसे फेल शो कर दिया जाएगा। इसके लिए हम इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड फॉर्मूले का यूज करेंगे, देन ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल वन में हम हिंदी के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 34, कॉमा लॉजिकल टू में हम इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 34, उसके बाद लॉजिकल तीन में हम मैथ्स के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 34, कॉमा लॉजिकल फोर में हम साइंस के मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 34, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज देन कॉमा और वैल्यू इफ ट्रू, अगर स्टूडेंट 34 से ज़्यादा नंबर लाता तो पास होगा तो इसके लिए हम इन्वर्टेड कॉमा में पास लिख देंगे, कॉमा वैल्यू फॉल्स में हम अदरवाइज फेल शो करना चाहते तो इसके लिए फेल लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर और फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे। तो आप देखोगे गौरव पाठक के सभी सब्जेक्ट में 34 से ज्यादा नंबर है तो वो पास हो गया, लेकिन नितेश के इंग्लिश को छोड़कर सभी में 34 से ज्यादा है तो वो फेल हो गया। अब हम इंग्लिश के मार्क्स को 35 कर देते हैं तो नितेश भी पास हो जाएगा। तो इस तरह से हम इफ और एंड फॉर्मूले की हेल्प से सभी स्टूडेंट का रिजल्ट निकाल सकते हैं।